करीब करीब तय हो चुका है कि यूपी के दो नौजवान नेताओं की राहें जुदा होने वाली हैं। स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बस उस पर मुहर लगने का इंतजार है। थोड़ा मिल गया है और थोड़े की और जरूरत है। जयंत चौधरी के नेता यही बता रहे हैं कि बीजेपी ने 4 सीटों का ऑफर दिया है, जयंत चौधरी की डिमांड 12 सीटों की। देखिए, ये चुनावी वर्ष है और सारी पार्टियां हमें ऑफर कर रही हैं, क्योंकि हमारा एक राजनीतिक वजूद है, हमारे 9 विधायक हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारी पार्टी हमसे गठबंधन के लिए आतुर हैं, तो बातचीत चल रही है। देखिए, भाजपा के लोगों के द्वारा तो पिछली बार भी ऑफर किया गया था, इस बार भी किया गया है, लेकिन वो 4 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है, तो इस बात का निर्णय तो हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। कुछ कदम जयंत आगे बढ़ाएंगे, कुछ बीजेपी वाले, तो बनते बनते बात बन ही जाएगी, लेकिन असली कहानी तो योगी के सहयोगी बता रहे हैं कि आखिर क्यों जयंत एनडीए में आ रहे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद साफ साफ कह रहे हैं कि किसान नेताओं की मजबूरी है, एनडीए में आना ही पड़ेगा, नहीं तो जाएंगे कहां। आप देख सकते हैं कि 4 ही लोग देश में है जिनको इन लोगों ने उपेक्षित रखा था, उसमें मोदी जी कहते हैं ना, किसान है, नौजवान है, गरीब और महिलाएं हैं। तो किसानों पर राजनीति करने वाले लोग, जब किसान की काम हम कर रहे हैं, उनका गन्ना है, मूल्य है, कृषि का जो है, जब किसानों पर राजनीति करने वाले खत्म हो गए, चूंकि आज उनके सीधे खाते में पैसा जा रहा है, जो है किसान सम्मान निधि है, किसानों के हितों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है, तमाम बीमा है, तमाम सब्सिडीज है, तमाम नई टेक्नोलॉजी है, शिक्षण प्रशिक्षण है, आज के दिन में हाईटेक खेती कराई जा रही है, उनकी आय दुगुनी की जाती है, तो जो किसान हमारे तरफ आ रहे हैं तो नेता कहाँ जाएंगे। तो किसानों में राजनीति करने वाले नेता, मैं तो पहले ही बता दिया था, समय आने दीजिए, सारे नेता आएंगे जिस पर है। अपने ही समाज का उदाहरण देते हुए संजय निषाद ये बता और समझा रहे हैं कि मोदी सरकार ने मछुआरों के लिए क्या कुछ किया है और क्या कुछ करने वाले हैं। उसी तरह किसानों के लिए भी बेहतरी का प्लान एनडीए के पास ही मौजूद है। जो किसानों की अहम जरूरतें या मांगे हैं वो यहीं पूरी हो रही हैं, इसलिए जयंत बीजेपी के लिए जरूरी नहीं, एनडीए में जयंत का आना उन्हीं की मजबूरी है। इन मछुआरों का नाम लेना मुनासिब नहीं समझती थी पार्टियां, उनको उनके लिए नीत बनाना बहुत दूर बात है। 39,000 करोड़ रुपया दिया 6 साल में, अभी फिर अनपूरक बजट में 2,500 करोड़ रुपया दिया। यहाँ मोदी जी आप देखे होंगे, यहाँ निजात राज बोट योजना है, अभी मछुआ कल्याण कोष की स्थापना किया, फिर हम 190 करोड़ का एक्वा पार्क बनाने जा रहे हैं और 300 करोड़ रुपया पीएमएसवाई में अभी दिया है। आज के दिन में अब एक लाइन करा गया कि निषाद राज के नाम पर निषाद राज ऑडिटोरियम का सांस्कृतिक केंद्र के लिए 14 करोड़ रुपया दिया है। तो ये सारी चीज है, निषाद राज के नाम पर अतिथि भवन बनना, निषाद राज का किला बनना, निषाद, तो किसी भी समाज और आदमी को मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि, और आज मोदी जी रहे, इसलिए सारे लोग आ रहे हैं। उनके लोग और मजबूत होंगे, किसान थोड़ा और मजबूत होगा, जो किसान गुमराह है उसको भी रास्ते पर लाएगा, उसका भी विकास होगा, और हमारा तो स्वागत है, आएंगे। तो चूंकि हम किसानों का काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि पहले किसान का जो दिल है मिल, वही मिल बिकती थी, आज मिल चल रही है। किसान का दिल जो मिल है उसे भुगतान नहीं होता था, आज सारे भुगतान है। अब इसके बाद किसानों के लिए आंदोलन करने कोई बचा ही नहीं है, इसलिए सारे आ रहे हैं, आएंगे तो और मजबूत होंगे और लड़ाई अच्छी हो जाएगी और जीतेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।